दिस इज शशांक जैन, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर टुडेज एपिसोड। आज मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं लवी अग्रवाल। सामने इनकी किचन बनाई और मैं किचन का टूर करने वाला हूँ। सो आई एम गोना शो यू व्हाट वी डिड इन द किचन व्हिच इज नॉट देयर अनलाइक इन एनी अदर किचन्स। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो लवी ने और हमने झगड़ वगड़ के कर करा के कुछ ना कुछ डिजाइन किया, एंड आई वांट टू शो यू दैट टुडे। लवी से हाय टू आवर पीपल। शी इज सुपर स्वीट एंड डेफिनेटली फ्रीक ऑन स्टोरेज। ओके सो गाइस, कम ऑन, विल शो यू द किचन। सो वी आर एंटरिंग इनटू अ किचन एंड लवी, आई विल रेस्ट माय वॉइस एंड लवी विल एक्सप्लेन यू व्हाट वी डिड इन द किचन। आप बताएं। यहाँ पे एक छोटा सा डोर था, उसको हमने पूरा तोड़ के और वी लाइक गिव इट अ ओपन स्पेस टाइम। करेक्ट। सिंस गाइस ये ना एक मॉडर्न हाउस था, इफ यू सीन, सो इस मॉडर्न हाउस में हमने मॉडर्न किचन बनाई। और ये वीडियो सिर्फ एक किचन टूर का है, आपको अगर पूरे घर का वीडियो देखना है तो इस डिस्क्रिप्शन में जाइए और कमेंट पे भी मैंने डाला है, वहाँ पर आप पूरे घर का वीडियो भी देख सकते हैं। तो यू गेट एन आइडिया कि किचन का ये कलर कॉम्बिनेशन, ये फील ऐसा क्यों बना, बट नेट नेट इट इज़ अ मॉडर्न किचन विच वी डिड। ओके सो अब यहाँ पर बात करते हैं, अनलाइक सो ये भी लवी का आइडिया था। सो अनलाइक अदर किचन्स, जैसे यहाँ पर ना खाली ड्रॉर्स होती हैं, सो लवी डिडंट वांट टू हैव दोज ड्रॉर्स देयर। वो बोली कि मेरे को ना यहाँ पर ओपन स्टोरेज बॉक्स की जगह होनी चाहिए जिसको मैं खोल सकूँ और मैं बड़ा बड़ा सामान रख सकूँ। लवी उसका क्या आइडिया था? वो इसलिए क्योंकि जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं और ड्रॉर्स में से कुछ छोटा सामान चाहिए तो यू हैव टू शिफ्ट कुकिंग करते हुए। करेक्ट। सो आइडिया मेरा ये था कि यहाँ पे ये ड्रॉर्स जो है वो यहाँ पे रहे, कटलरी यूनिट्स वगैरह, और ये हमने एक बड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया, बॉक्सेस पल्सेस वगैरह जितने बड़े बड़े बॉक्सेस हैं उनके लिए। और फिर हमने यहाँ पे एक ये छोटा सा स्पेस दिया कि छोटी छोटी चीजें जो है वो यहाँ पे आ जाए साइड में, इसलिए हमने इसको ऐसा दिया। और ये गाइस पता है क्यों इतनी बड़ी लग रही है लवी? मुझे लगता है जो मैं उस दिन भी बात कर रहा था, बिकॉज ये ऊपर कैबिनेट्स ना होने की वजह से ना, और ये एंट्री करते ही आपको इतनी बड़ी वॉल लग रही है। एक्चुअली में गाइस ये साइज बहुत बड़ा नहीं है, दिस इज हार्डली 9 feet by maybe 6 feet 7 feet, बस इतना ही स्पेस था। बट क्योंकि ऊपर बॉक्स ना होने की वजह से लवी इतना बड़ा बड़ा लुक एंड फील दे रहा है और आपको इतना अच्छा लग रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है गाइस जो आप लोगों को ध्यान रखनी जब आप किचन अपनी डिज़ाइन करा रहे हैं या कर रहे हैं। सो जनरली सब लोग ना ऊपर तक लॉफ्ट मांग लेते हैं बिकॉज स्टोरेज ज़्यादा रखना है। मैं बोलता हूँ स्टोरेज रख लीजिए, बट ओपन स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है किचन के अंदर, अदरवाइज किचन उतनी सुंदर कभी भी नहीं बनेगी जो आप मूवीज में, पिक्चर्स में या इंस्टाग्राम पे देखते हैं। आगे आप बताएं। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे जैसे बड़े बड़े ये स्टोरेज स्पेस दी है, यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी है, जैसे ये हैवी वाले हैं के लिए पूरा एक में ही आ गया सारा, मेरा इतना अच्छे से ये डिजाइन किया है कि ये दोनों एक बड़े बड़े दे दिए शेल्फ्स। यहाँ पे दो स्लाइडिंग दी है हमने, मतलब स्टोरेज तो बहुत है, एम्पल स्टोरेज है मेरे ख्याल से। इसके बाद तो शायद हमें कूड़ा ही होता है ज्यादा किचन में, बहुत ज्यादा ले लेते हैं। पानी अगर होता है ना तो आप ट्रे को निकाल लीजिए बाहर, और इस ट्रे में पानी होता है इसको निकाल के रखिए और वापस रख दीजिए जब यूज हो गया तो कम्प्लीट। ये सब सॉफ्ट क्लोज फिटिंग्स हैं कि आप उसको छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हमने एक एक हिंज और ड्रॉर को सब कुछ को सॉफ्ट क्लोज रखा है टू गिव दैट फील ऑफ कंफर्ट एंड जोन। सो ये चिमनी एंड हॉब है विच इज़ फ्रॉम एलेका, सो हमने एलेका का यूज़ किया इसके अंदर। सो द फील इज़ अगेन बिगर एंड ब्लैक ग्लास यूज़ किया टू मेक इट लुक नाइसर, थोड़ा सुंदर लगने के लिए। लवी इस टैप के बारे में ज़रूर बताना है आपने। टैप हमने स्पेशली डिफरेंट डिज़ाइन का लिया है, एक्चुअली इसको कहीं भी आप क्लीन करने के लिए, कहीं भी वॉशिंग करने के लिए, कुछ करने के लिए फोल्डेबल है, एक्चुअली इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। सो ये गाइस ये भी बहुत क्वेश्चंस, बहुत बर्तन धोए हैं तो बहुत यूज़ हो गया इसका, बहुत यूज़फुल। ये हम संदीप से पूछेंगे कि उन्होंने धोए कि नहीं धोए। तो ये गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अगर हम दीवार पे टैप ना लें तो क्या करेंगे,
क्या हम फ्लोर पे टैप ले सकते हैं या हम काउंटर पे टैप ले सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ज़रूर ले सकते हैं, डेफिनेटली उसकी मेंटेनेंस भी करनी होगी, तो आपको वो ध्यान रखना है। और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा पैरामीटर है क्योंकि आप देखो कितने बाहर तक ये टैप मूव अराउंड हो सकता है। दिस इज द क्वार्ट्ज मार्बल गाइस जो हमने यूज़ किया यहाँ पर काउंटर टॉप के लिए। ग्रेनाइट भी यूज़ कर सकते थे और दूसरे मार्बल्स भी हैं यूज़ करने के लिए, पर आजकल क्वार्ट्ज इज़ अ प्रीटी फेमिलियर नेम इन द इंडस्ट्री। और ये दो कंपनीज का आता है, AGL एंड जॉनसन प्राइमरी फोकसली, और भी लोग बनाते हैं पर ये ज़्यादा मशहूर है। एंड देन इसका फ़ायदा क्या है कि नॉन पोरस मटीरियल है, तो आप अगर हल्दी का किसी भी चीज़ का दाग भी लग जाता है तो आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हैं, ये कभी भी आपके सरफेस पे सस्टेन नहीं करता है। और अब ये अगेन मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी रवि ने बात करी थी स्टार्टिंग में, कि DDA की किचन थी जो कि बहुत छोटी थी एंड इसका एंट्री वॉज वेरी स्मॉल। सो वॉट वी डिड वॉज कि ये सिर्फ यहीं तक इसका डोर था, हमने ये स्पेस पीछे कर लिया, यहाँ पर एक बाथरूम था, हमने बाथरूम को थोड़ा छोटा करा और किचन की एंट्री को थोड़ा बड़ा कर लिया विद अ एक्स्ट्रा काउंटर विच इज़ ऑल्सो अ बूफे काउंटर विच इज़ ऑल्सो अ चॉपिंग काउंटर एंड सम एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पर। तो आप ये देख रहे हैं ऑब्वियसली अब लवी हैं तो स्टोरेज तो होना ही था, तो हमने बहुत सारी भर भर के स्टोरेज ली है। एंड ये ऑल ऑफ दीज आर ड्रॉर्स एंड शटर्स, तो आप ये देखते हैं दिस इज वी यूज फॉर आवर अनियंस एंड आलूस, तो वो रखने के लिए हमने इसको यूज़ किया, जो उसकी स्मेल है जो ऑडर है वो बाहर निकल जाए और ये अच्छा इफेक्टिवली यूज़ हो जाए। सो गाइज आई होप यू लाइक द टूर फॉर द किचन एंड खूब सारे वीडियोज हम बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, खूब सारे टिप्स हम देते रहते हैं। सो लवी वॉज काइंड इनफ टू कम टू आर शो टुडे एंड आई एम रियली हैप्पी। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब हमें नहीं किया है हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, देयर वो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो मैं वीडियोज बनाना बंद करने वाला हूँ आपके लिए, तो कर लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू शशांक।